तो आइए आज हम लोग जो है वेल्डर मशीन के बारे में जानेंगे कि वेल्डर में कौन कौन से मशीन प्रयोग होती है और हमारे वर्कशॉप में कौन सा मशीन है उसके बारे में हम आपको अच्छे से जानकारी देंगे। तो आइए, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर टाइप वेल्डिंग मशीन है। यहाँ से हम लोग जो है ऑन ऑफ करते हैं, ये यहाँ से हमारा जो है करंट शो होता है, जितना भी करंट में हम वर्क करेंगे वो यहाँ से हमको शो होगा। देख सकते हैं आप लोग 50 से स्टार्ट होकर हमारा 350-100 दिया हुआ एम्पियर, ये हमारा रेंज है एम्पियर में। यहाँ हमारा इंडिकेटर दिया हुआ है, जब वेल्डिंग मशीन हमारा ऑन होगा यहाँ हमारा इंडिकेट करेगा, ये हमारा बल्ब जलेगा। ये दो प्रकार से यहाँ कलम करते हैं, ये होल्डर केबल लगता है इस पर यहाँ से, ये हमारा अर्थ केबल है। जिस प्रकार से हम यहाँ दिखा सकते हैं एक मशीन में लगा हुआ है हमारा, देख सकते हैं यहाँ से ये हमारा होल्डर केबल इसके साथ कनेक्ट है, ये देख सकते हैं आप, ये होल्डर है, ये होल्डर केबल कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा हमारा अर्थ केबल है, सेम मशीन है, जो मशीन यहाँ देख पा रहे होंगे यही मशीन हमारा यहाँ लगा हुआ है। आइए और दूसरा मशीन के बारे में भी हम लोग जानते हैं। ये हमारा जो है मैनुअल ट्रांसफार्मर टाइप जो हमारा मशीन है वेल्डिंग मशीन, मैनुअल है हमारा ये, इसमें जो है हम अपने सुविधा अनुसार जो है एम्पियर को सेट कर सकते हैं यहाँ पे बढ़ा बढ़ा के। जैसे हमारा ये अभी मशीन ऑन है, जो हमारा इंडिकेटर जो है जल रहा है आप देख सकते हैं, इसमें भी दो प्रकार के लगा हुआ है, ये हमारा जो है अर्थ क्लैंप है और दूसरा हमारा होल्डर केबल है। और इस प्रकार से हमारा जो है सर्किट बन रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा लगा हुआ है और वेल्डिंग काम वर्क चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये जॉइंट्स हमारा है, ये हम इसको बोलते हैं ओपन कॉर्नर जॉइंट। ये क्या होता है कि दोनों प्लेट्स जो है एक एंगल पे दोनों सेट करते हैं हम लोग, इसके बाद यहाँ पे हम लोग जॉइंट लगाते हैं, जो कि आप लोग प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं, ये हमारा बट जॉइंट है, दोनों प्लेट को क्या करते हैं सरफेस में एक साथ रखते हैं, इसके बाद जॉइंट लगाते हैं, ये हमारा बट जॉइंट हो गया। ये हमारा टी जॉइंट है, एक हमारा सरफेस प्लेट उसके ऊपर 90 डिग्री में एक प्लेट रखते हैं, ये हमारा टी जॉइंट हो जाता है। इसको हम लोग एज जॉइंट बोलते हैं, दो प्लेट्स के जो है एज जुड़ जाते हैं आपस में, ये एज को एज जॉइंट बोलेंगे हम। ये हमारा लैप जॉइंट हो गया, जो कि देख सकते हैं एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट को रख के हम लोग जॉइंट लगाते हैं, लैप जॉइंट। ये हमारा ओपन कॉर्नर जॉइंट है। थैंक यू, इतना ही। आइए आज हम लोग जो है बेंच वाइस के बारे में जानते हैं कि इसका जो है अलग अलग पार्ट्स का नाम क्या है और इसको जो है क्या काम है। आप जो देख रहे हैं सामने, ये हमारा बेंच वाइस है, इसका जो है अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग नाम है। जैसे कि आप जो है ये देख रहे हैं, इसको हम लोग हैंडल कहते हैं, इससे जो हम क्या करते हैं इसको टाइट और ढीला करने का काम होता है, इस प्रकार से हम लोग घुमा के इसको ढीला करते हैं। ये हमारा फिक्स्ड जॉ होता है और ये हमारा मूवेबल जॉ है। इस यहाँ पे जो गोल वाला पार्ट्स देख रहे हैं इसको हम लोग स्पिंडल कहते हैं, यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे इसको, ये हमारा स्पिंडल है, स्पिंडल है, हैंडल है, ये हमारा मूवेबल जॉ है, ये हमारा फिक्स्ड जॉ है, ये हम जो देख पा रहे हैं ये हमारा फिक्स्ड जॉ है। और इसका आप काम क्या है, यहाँ जो हम लोग क्या करते हैं जॉब को इस प्रकार से यहाँ लगा करके टाइट करने के बाद, लगाने के बाद होता क्या है कि जॉब को हम लोग जो है फाइलिंग, इस प्रकार से फाइलिंग का काम या फिर कटिंग का काम हम लोग जो है इजीली यहाँ से कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इतना ही दोस्तों, अभी आपको चित्र के माध्यम से सारे चीज़ को दिखाएंगे। ये अभी देख रहे हैं आप, ये हैंड स्क्रीन है। आगे देखिए, ये जो जॉइंट है ये एज जॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट ये जॉइंट होगा, ये कॉर्नर जॉइंट है, ये भी कॉर्नर जॉइंट है, ये टी जॉइंट है दोस्तों। टी जॉइंट को आपने देख लिया, ये बट जॉइंट है, इसमें दो प्लेट को जोड़ा जाता है, ये भी एज जॉइंट है जो किनारे से वेल्डिंग किया जाता है। अभी जो आप चित्र में देख रहे हैं ये सभी वेल्डिंग के इंस्ट्रूमेंट हैं, वेल्डिंग करने में प्रयोग किए जाते हैं। इन चित्रों में जितने भी वेल्डिंग से संबंधित इंस्ट्रूमेंट हैं सभी का नाम आपको याद होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।